हेलो गाइस, दिस इज़ उलसन कुमार एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे लेटेस्ट वीडियो तेरी मेरी कहानी को इतना ज़्यादा पसंद किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, ऊपर में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप वो वीडियो जाकर देख लो। और आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ मार्शल आर्ट किक के बारे में। मार्शल आर्ट किक बिगनर कैसे आप लोग इसका शुरुआत करते हो, बिगनर एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है, कैसे आप लोग मार्शल आर्ट किक जैसे कि 720, 540, 360 बहुत सारे किक्स हैं, वो सब आप लोग कैसे कर सकते हो, तो बिगनर्स अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए मार्शल आर्ट्स किक्स करने के लिए। तो अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो, चैट करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टाइप करो KUMARGULSHAN745, ये टाइप करो, वहाँ मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, आपके मैसेजेस का मैं बहुत ही जल्द रिप्लाई दूंगा। और अक्सर वहाँ पे मैं लाइव भी आता रहता हूँ, तो आप मुझसे लाइव भी बात कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपने लेग को बैलेंस करना होता है, जो कि मार्शल आर्ट किक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आपको किस तरह से बैलेंस करना है, तो इस तरह से आप अपना पैर इस तरह से ऐसे फैलाओ और उसके बाद में इस तरह से ऐसे बैलेंस करना है। हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस करना है। ये आप लोग कम से कम 3 से 5 मिनट तक करो, डेली प्रैक्टिस करो इसका। फर्स्ट में ये बैलेंस हो गया, उसके बाद में सेकंड में होता है वन लेग से बैलेंस करना, मतलब एक पैर से बैलेंस करना। तो वो किस तरह से करना है वो आप लोग देख लो। तो इस तरह से अपने पैर को इस तरह से ऐसे पकड़ के रखना है, एक पैर को, और एक पैर को नीचे, मतलब एक पैर पे बैलेंस करना है इस तरह से। ये भी आप लोग 3 से 5 मिनट करो। फिर अपने दूसरे लेग को इसी तरह से पकड़ के रखो और एक पैर नीचे ज़मीन में इस तरह से खड़े रहना है। ये हो गई। और उसके बाद में थर्ड एक्सरसाइज जो आपकी आती है वो होती है ये, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल करना होता है इस तरह से, इस तरह से, फिर इस साइड से, यहाँ से। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इससे आपका ये फ्लेक्सिबल होगा और आपको किक करने में जैसे ऐसे झुकना और ये किक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको रोटेशन करना होता है, इस तरह से घूमना होता है नॉर्मली, इस तरह से। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये, ये प्रैक्टिस करना है। फिर अपोजिट इस तरह से घूमना है, इस तरह से। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है मार्शल आर्ट्स किक करने के लिए। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है आपकी लेग के स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग के ऊपर मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाओ वो वीडियो देखो, ऊपर में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्टली आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देखो। क्योंकि आपका जब तक लेग पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आप लोग किक नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी किक्स होती है, उसके लिए आपको अपने लेग की स्ट्रेचिंग करनी होती है। और स्ट्रेचिंग के बाद में ये एक्सरसाइज करनी होती है, आपको अपने लेग को इस तरह से करना होता है, देख लो यहाँ पे, इस तरह से। देख लो एक बार और, ये हो गई। फिर ये वाला पैर भी ऐसे ही करना होता है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको ये किक
रोटेशन करते हुए करना होता है, देख लो इस तरह से, इस तरह से। ये वाला पैर इसी तरह से कर लो, ये हो गया। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपके मार्शल आर्ट्स की करने में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और ये सारे एक्सरसाइजेस आप लोग करते हो तो आप लोग मार्शल आर्ट्स की बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ज़्यादातर वो जो बैलेंस मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके पैर को बैलेंस करने में, जब आपकी लैंडिंग होती है कोई भी किक में, जैसे कि 540 या फिर 360 कोई भी किक में आपकी जब लैंडिंग होती है तो वो बैलेंस बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो पहले आप लोग ये सब कंप्लीट करो। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं मार्शल आर्ट्स किक के ऊपर, जैसे कि 360, 540, ये सब सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड है मेरे चैनल पे। और अगर आपको नया ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट करो और आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, बहुत ही जल्द आप लोग इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स लोग के पास में शेयर करो, और आप लोग मुझे सोशल नेटवर्क पे भी फॉलो करो, जैसे कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करो, हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इनके लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप लोग मुझसे कोई भी स्टैंड से रिलेटेड सवाल नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको मैं बहुत ही जल्द रिप्लाई दूंगा। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप सभी लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।